हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, रूहान अपनी न्यू बाइसिकल के साथ है। उनको उनका बर्थडे प्रेजेंट मिल चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूहान फॉर फ्रेंड्स। आज मैं साइकिल की अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। ये देखिए, ये है मेरी नई साइकिल। जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड्स, ये साइकिल मेरे मम्मी पापा ने मुझे, मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, रूहान साइकिल ले तो ली है लेकिन उनको बिल्कुल भी साइकिल चलाना नहीं आता है। और ये फर्स्ट डे की ट्रिप है जब न्यू साइकिल आई थी, और रूहान बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे थे, बिल्कुल भी बैलेंस उनका बन नहीं पा था, सिर्फ बैठ पा रहे थे बस, और कुछ नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा भी चलाना भी आता है तुमको रूहान? अब कैसे चलाओगे? साइकिल तो ले लिए, अब चलाओगे कैसे? अब जो किया जाए, अब चलाना सीखना ही पड़ेगा। हाँ तो सीखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूहान फॉर फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पार्टी चालू हो रही है। फ्रेंड्स, यो, दिस इज माय पार्टी गैंग। फ्रेंड्स, जैसे कि आप इसको तो जानते हैं, ये मेरा भाई है और ये मेरा दोस्त है, भाई भी है, अफान नाम इसका। तो फ्रेंड्स, आइए आज की पार्टी शुरू करते हैं। यो, रूहान गए हुए थे 2 दिन के लिए अपनी नानी के घर, तो वहाँ पर ये लोग बच्चा पार्टी मिलके उधमबाजी कर रहे थे। साथ में ये जो हैं, ये रूहान के बेस्ट फ्रेंड है, जब भी ये नाना के जाते हैं तो वो पूरा टाइम के लिए आ जाते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि ये तीन तिगाड़ा की जोड़ी है। रूहान गए हुए थे एक जगह अपने फादर के साथ रिसेप्शन में, तो जो भी उन्होंने शूट किया थोड़ा बहुत। क्योंकि बैलेंस तो एक बार में बन नहीं रहा, बार बार अब जब ट्राई करते रहेंगे तब बनेगा। यहाँ पर रूहान साइकिल की प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हैं। पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई है इनको साइकिल चलाने में। पहले तो थोड़ा भी नहीं चल पाते थे, बट अब चला ले रहे हैं, थोड़ी दूर तक जा पा रहे हैं। देखिए रूहान कैसे चला रहे हैं साइकिल को। जहाँ आए हुए, ये एक ट्रेनिंग कॉलेज है, लोग वॉक के लिए भी यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग में। यहाँ पर रूहान रोड पर रात में साइकिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके साथ हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, सब उनको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, और साथ में कभी कभी खुद भी चला ले रहे हैं। उन लोग वो लोग भी मज़े कर रहे हैं। सब अपनी अपनी मेमोरीज याद करते रहते हैं कि ऐसे हम लोग भी साइकिल चलाया करते थे। रूहान को एक अच्छा टाइम पास मिल गया है। ऐसे तो घर में सारा दिन, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, बच्चे एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। सारा दिन घर में बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, या तो मोबाइल या तो टीवी। कम से कम इससे कुछ एक्टिविटी होगी और बच्चे फिट रहेंगे। और रूहान भी सारा टाइम इसी में लगे रह रहे हैं। जब उनको मौका मिलता है, फ्री टाइम मिलता है आफ्टर स्टडीज, तो वो चले जाते हैं नीचे अपनी साइकिल चलाने के लिए। साइकिल आने के बाद रूहान जल्दी भी उठने लगे हैं, नहीं तो उनको
8:30 बजे तक उठाना पड़ता था क्योंकि 9 बजे उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन अब वो खुद से ही 6:30 बजे तक उठ जा रहे हैं और सीधे नीचे भाग जाते हैं कि मुझे साइकिल चलानी है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट इनके में आई है, एक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। नहीं तो हम लोगों को इनको पुश करना पड़ता था कि नहीं तुम थोड़ा सा एक्टिविटी कर लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, लेकिन हम लोगों को भी खुशी है कि उन्होंने साइकिल लाकर दी है तो उसका यूज़ हो रहा है और रूहान के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो गया है। स्कूल ओपन ना होने की वजह से घर में रहकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा डल हो गए हैं। और फ्रेंड्स, अब आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़रूर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।